सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ अपना एक सेल्फ केयर रूटीन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। के बाद मैं डेड सेल्स को रिमूव करूंगी, इसीलिए मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा जो स्किन है डेड सेल है
वो सॉफ्ट हो जाए ताकि मैं आसानी से उसको निकाल सकूं। इसीलिए मुझे 10 टू 15 मिनट्स के लिए रुकना पड़ेगा ताकि पैर अच्छे से गीला हो जाए। और तब तक मैं क्या करूंगी, तब तक मैं ये मेरा रिलैक्सेशन टाइम है। मुझे पता है पार्लर में जाके ज्यादा रिलैक्स होते हैं हम लोग, लेकिन घर में भी कम क्यों हो, इसीलिए मैं करूंगी रिलैक्स और पीऊंगी पुदीने का शरबत। देन पैर भी खुश, मैं भी खुश और आप लोग भी खुश। तो जब तक मेरे पैर इधर गीले हो जाते हैं, अच्छे से सोख कर लेते हैं पानी को, तब तक जो कोई भी नए फ्रेंड हो प्लीज चैनल में जाओ और सब्सक्राइब बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शरबत पी लिया है और इधर 10 मिनट हो भी गया है, तो चलिए अभी पैर को क्लीन कर लेते हैं।
ये था मेरा सेल्फ केयर मतलब पेडिक्योर का रूटीन जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में बोलिएगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो कोई भी नए फ्रेंड हो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं और कोई भी इंफॉर्मेशन डालूं उसका अपडेट आप तक पहुंच सके जल्दी से जल्दी। ओके देन आज के लिए टाटा गाइस, सी यू। वीडियो की पहले से अंत तक आपने एक डब्बा देखा, ये वाला डब्बा, तो आप लोग सोच सकते हो कि इस डब्बे में क्या है। एक्चुअल में मेरे नेल रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन और उसका आर्ट भी इसी बॉक्स में मैं रखती हूँ ताकि मुझे ढूंढने में आसानी हो। तो इस बॉक्स में जितने भी नेल आर्ट का सामान है या फिर नेल रिलेटेड चीजें है मैं आप लोगों के साथ एक दिन जरूर शेयर करूंगी। उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा, किसी और दिन किसी और ब्लॉग में। ओके okay?